हमने अब तक आपको फैंटेसी, सुपरनेचुरल हॉरर, साईफाई और भी कई तरह के शोज के बारे में बताया और आप सभी ने हमारी उन वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद भी किया। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको टॉप 20 बेस्ट लव स्टोरी वाले शोज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इनमें से कुछ शोज हमारे इंडिया से नहीं है, मतलब कि वो पाकिस्तानी शोज हैं, लेकिन उनके कॉन्टेंट में इतना दम है और उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी है कि आपको वो शोज बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपने उन शोज को नहीं देखा तो मतलब कि आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। नंबर एक, बालाजी टेली फिल्म्स द्वारा निर्मित बरसाते मौसम प्यार का, जो कि सोनी टीवी का शो है। एंड ये शो दर्शकों को प्यार, महत्वाकांक्षा और साजिश की आकर्षक दुनिया में ले जाने का वादा करता है। यह प्रेम कहानी दो जिद्दी व्यक्तियों रेयांस और आराधना के टकराव की पड़ताल करती है, जो खुद को भावनाओं के जटिल जाल में उलझा हुआ पाते हैं। न्यूज रूम की पृष्ठभूमि पर आधारित यह शो एक तूफानी मानसून रोमांस को जीवंत करता है, जो दर्शकों को पहले ही एपिसोड से बांध कर रखता है। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो भाई इस शो को जरूर देखना, ये शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। नंबर दो, इश्कबाज, जो कि स्टार प्लस का शो है। ये कहानी ओबेरॉय ब्रदर्स, शिवाय, ओमकारा और रुद्र दोस्ती और रोमांस के बारे में है। शिवाय की मुलाकात अनिका से होती है, जो पैसे और वंश के दुरुपयोग से गरीबों को दबाने की कोशिश करने के लिए उसका सामना करती है। इस बीच इस शो में आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो हाँ, ये शो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर तीन, इश्क मुर्शिद। दोस्तों ये एक पाकिस्तानी शो है, लेकिन होता है ना कि एक ऐसा शो होता है जिसके अगर आपने दो तीन एपिसोड्स देखे फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक वैसा शो है। और हाँ, इस शो का जो सॉन्ग है जिसे हर एपिसोड में प्ले किया जाता है, भाई भाई भाई, वो पूरा रेट्रो वाइब देता है। मतलब की कमाल का सॉन्ग है यार, कि बस सुनते जाओ। एंड इस शो के जो एक्टर हैं भाई, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सिब्रा और फजल बक्स भाई, इनकी लव स्टोरी कमाल की है। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि शो के सभी एपिसोड्स अभी आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। यकीनन ये शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई आप इंडिया के होकर पाकिस्तानी शोज को सपोर्ट कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, मैं इस चीज को नहीं मानता, बिकॉज मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छे शो सजेस्ट करूं। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो शो इंडिया का है या फिर पाकिस्तान का है या फिर किसी और देश का है, क्योंकि मेरी वीडियोस इंडिया में भी देखी जाती है, पाकिस्तान में भी देखी जाती है और भी कई देशों में देखी जाती है। और आप सभी उन वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू। बट यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो भाई पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, वो सिर्फ निगेटिव सोचते हैं। तो प्लीज हो सके तो निगेटिव कमेंट्स मत करना यार, बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक एक कमेंट्स को रीड करता हूँ और आप सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कसम तेरे प्यार की, जो कि कलश टीवी का शो है। इस शो की कहानी तनु खुराना और ऋषि सिंह बेदी के इर्द गिर्द घूमती है, जो बचपन के दोस्त हैं। एक दिन तनु ऋषि को बचाती है और एक साधु महिला कात्यानी बाई भविष्यवाणी करती हैं। अब वो कैसी भविष्यवाणी है और इस शो में आगे उनके साथ क्या होगा, वो जानने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। जी टीवी का शो कबूल है, जिसके टोटल 4 सीजन बने हैं। एंड इस शो में कई सारे दिग्गज कलाकार नजर आए हैं, जैसे कि सुरभि ज्योति, सुरभि चंदना, करण सिंह ग्रोवर, करणवीर वोहरा, अमरपाली गुप्ता, नामिक पाउल, राजवीर सिंह, उन्हीं के साथ और भी कई सारे दिग्गज कलाकार। बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस शो में आपको असद अहमद खान एंड जोया फारूकी की नोकझोंक के साथ कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। शो में ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये शो अपने टाइम का एक ब्लॉकबस्टर शो रह चुका है। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो इस शो को जरूर देखना। वहीं हमारे लिस्ट में जो अगला शो है, शो का नाम है बड़े अच्छे लगते हैं, जो कि सोनी टीवी का शो है। एंड इस शो को बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शो की अब तक 3 सीजन आए हैं। मैंने इस शो का पहला सीजन नहीं देखा था, दूसरा सीजन देखा था जिसमें नकुल मेहता और दिशा परमार थे। एंड भाई इनकी स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और जितने भी लोगों ने इस शो को देखा था उन्हें भी ये शो पसंद आया है। अब आपकी मर्जी कि आप इस शो का पहला सीजन देखते हैं या फिर दूसरा सीजन देखते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि मैंने इस शो का पहला सीजन नहीं देखा था, दूसरा सीजन देखा था और दूसरा सीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। वही हमारी लिस्ट में जो अगला शो है, शो का नाम है जमाई राजा, जो कि जी टीवी का शो है। बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस शो में आप देखेंगे कि दुर्गा देवी पटेल और उनकी बेटी रोशनी पटेल के बीच कई सारी गलत फहमियां हैं और मतभेद हैं। डीडी यानी कि दुर्गा देवी पटेल एक अमीर ज्वेलरी डिजाइनर हैं। रोशनी का मानना है कि उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती, उन्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। और तभी इनकी लाइफ में एंट्री होती है सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ जो इनकी हेल्प करेगा इनकी गलत फहमियों को दूर करने में। और इस बीच सिद्धार्थ और रोशनी की लव स्टोरी शुरू हो जाती है, लेकिन इनकी लव स्टोरी में है कई सारी मुश्किलें और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस शो को देखेंगे।
वैसे अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो यार इस शो को जरूर देखना। वही हमारे लिस्ट में जो अगला शो है, शो का नाम है बेहद। बात करें शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो में आप देखेंगे कि माया फैशन और शहर की मालिक है और अपने पिता, पिछली यादों और अनस्टेबल फैमिली के कारण सनकी है। अर्जुन एक फोटोग्राफर है जो माया की कंपनी में काम करता है। उनकी सबसे अच्छी दोस्त सांझ एक वकील है, वह गुप्त रूप से अर्जुन से प्यार करती है। यार इस शो की ज्यादा स्टोरी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, आप इस शो को देखिए और ये शो आपको जरूर पसंद आएगा। वहीं हमारी लिस्ट में जो अगला शो है, शो का नाम है प्यार किए एक कहानी। बात करें शो की स्टोरी लाइन के बारे में, कहानी 200 साल के पिशाच अभय की है जो एक इंसान पिया से प्यार करने लगता है। अब यार सुन के ही अजीब लगता है कि यार एक पिशाच और एक इंसान का प्यार कैसा होगा। तो हाँ, ये एक सुपर नेचुरल टाइप का शो है, बट यार स्टोरी इसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये उन दिनों की बात है। ये शो नैना और समीर के बीच किशोरावस्था के रोमांस को दर्शाता है। यह शो पहले प्यार के जादू की पड़ताल करता है। नैना एक अच्छी लड़की है और उसकी मुलाकात अहमदाबाद में उसके स्कूल में तेज तर्रार समीर से होती है। वो उससे मिलती है और उसे पसंद करने लगती है। तो हाँ दोस्तों, ये शो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं हमारी लिस्ट में जो अगला शो का नाम है कैसी ये यारियां। कहानी ब्रेकअप के बाद नंदिनी मूर्ति और मानिक मल्होत्रा के इर्द गिर्द घूमती है। नंदिनी मैंगलोर में एक शास्त्रीय संगीत शिक्षक बन गई है, जबकि मानिक एक अजीब मोड़ पर चला गया है और वो कसौली के एक जंगल में एक वैन में रहता है। अब वो ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा, इश्क में मर जावा। बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो में आप देखेंगे एक इंटेलिजेंट और अमीर दीप रायचंद एक पार्टी में आरोही कश्यप से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। हालांकि वो उससे पहले ही उसके जैसी दिखने वाली सीरियल किलर तारा रायचंद से शादी कर चुका है। इस शो में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो यार ये शो भी देखने लायक है और आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। वही हमारी लिस्ट में जो अगला शो है, शो का नाम है खुदा और मोहब्बत, जिसके अब तक 3 सीजन आए हैं। मैंने इस शो का ना ही पहला सीजन देखा है ना ही दूसरा सीजन देखा है, मैंने सिर्फ तीसरा सीजन देखा है। और भाई मैं इस शो की क्या तारीफ करूं, मतलब कि यार मुझे ये शो इतना ज्यादा पसंद आया है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे इस शो की तारीफ करने के लिए। मतलब कि यार जैसे इस शो का टाइटल है ना खुदा और मोहब्बत, वैसे ही ये शो है यार। मतलब ये शो आपको दिखाएगा और बताएगा कि कोई इंसान किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। एक होता है ना कि रूहानी मोहब्बत, तो रूहानी मोहब्बत क्या होती है वो आपको ये शो बताएगा। शाहरुख खान की एक लाइन है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो भाई ये जो लाइन है ना इस शो पर बिल्कुल मैच करती है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस शो ने आपकी आंखों में आंसू नहीं लाया और आप नहीं रोए तो आप कमेंट में जो चाहे वो टाइप करके जा सकते हैं। मतलब कि यार इस शो का जो लीड एक्टर है फिरोज खान, मैं उसे ग्रेट एक्टर बोलूंगा। सीरियसली यार बंदे ने क्या एक्टिंग की है। मतलब कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान में आपका कोई फेवरेट एक्टर है तो वो कौन है, तो मैं यहाँ पर फिरोज खान का नाम लूंगा। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शो के सभी एपिसोड्स अभी आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। इस प्यार को क्या नाम दूं? बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो की कहानी एक अमीर घमंडी और सौम्य दिल्ली स्थित बिजनेस टाइकून अर्णव सिंह राजदादा और लखनऊ की एक मिडिल क्लास लड़की खुशी गुप्ता के इर्द गिर्द घूमती है। तो हाँ दोस्तों, इस शो की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जो कि सोनी टीवी का एक ब्लॉग बोस्टर शो रह चुका है। बता दें कि इस शो के अब तक 3 सीजन आए हैं। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस शो का जो लीड एक्टर है यानी कि साहिर शेख, मैंने इससे पहले, मतलब कि साहिर शेख ने कई सारे शोज में काम किया है लेकिन उनका ये पहला शो था जो मैंने देखा था। और भाई इनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके बाद से मैंने साहिर शेख के और भी कई सारे शोज देखे। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो इस शो को देखने के बाद आप साहिर शेख और एरिका फर्नांडिस के दीवाने होने वाले हैं। सीरियसली यार इन दोनों की जोड़ी यार कमाल की लगती है। वही हमारी लिस्ट में जो अगला शो, इस शो का नाम है तेरे बिन। अब बहुत से लोग होंगे ना जिन्हें लव स्टोरी में थोड़ा सा एक्शन वैक्शन चाहिए, तो भाई अगर आपको एक्शन सीन देखना है तो इस शो को देखिए, डेफिनेटली आपको ये शो पसंद आने वाला है। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इस शो के सभी एपिसोड सभी आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। बेपना, जो कि कलर्स टीवी का शो है, स्टारिंग हर्षद चोपड़ा एंड जेनिफर विनकेट। बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में, आदित्य और जोया एक दूसरे से अपने परिवार की मंजूरी के बिना शादी कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोग उनके रिश्ते से खुश नहीं हैं और वो उन्हें लगातार अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस शो की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो ये शो भी देखने लायक है। तो हमारे लिस्ट में जो अगला शो, इस शो का नाम है एक दूजे के वास्ते, जो कि सोनी टीवी का शो है। और यार इस शो की तारीफ मैं क्या करूं, मतलब कि यार इस शो को बनाने वाले ने क्या बनाया है।
मतलब कि यार मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे इस शो की तारीफ करने के लिए। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। बात करें इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में, सुमन और श्रवण एक दूसरे से मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन आगे चल के वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इनका प्यार इतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। शो में कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको बेहद ही पसंद आएंगे। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी खुद की एक मिनी सीरीज आ रही है जिसे हमने और हमारी टीम ने बड़े ही प्यार से आप सभी के लिए बनाया है। सीरीज का नाम है मोक्ष, जिसका टीजर पहले ही आउट हो चुका है। और अभी आपने टीजर नहीं देखा तो आप टीजर को हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल यानी कि फिल्मी टाइम्स ओरिजिनल पर जाकर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चैनल शो हो रहा होगा, तो जाइए यही सिंपल से सर्च कीजिए और इस टीजर को देखिए। और आप फिल्मी टाइम्स ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारे एपिसोड्स आपको उसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। हाँ तो जाइए दोस्तों और अपना प्यार दिखाइए। तो अभी आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। वही हमारी लिस्ट में जो अगला शो है उस शो का नाम है ये जादू है जिनका। बात करें शो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस शो में आप देखेंगे अमन खान और रोशनी बिल्कुल अलग हैं। रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। उनका जीवन भाग्य और जादू के माध्यम से सबसे असाधारण तरीके से जुड़ा हुआ है। अमन खान एक नवाब है जिसे एक जिन की काली छाया ने श्राप दिया है, और रोशनी एक तवायफ की बेटी है जिसका दिल फरिश्ते का है, यानी कि वो एक अयाना है। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये एक फैंटेसी शो है। तो धीरे धीरे जिस तरह से शो की कहानी आगे बढ़ेगी उसी तरह से अमन और रोशनी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। तो अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो ये शो देखने लायक है, आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। वही हमारी लिस्ट में जो आखिरी शो आता है उस शो का नाम है एक दीवाना था, जो कि सोनी टीवी का शो है। यार ये शो स्टार्टिंग से ही इतना तगड़ा सस्पेंस बनाकर चलता है, मतलब शो में ऐसा ट्विस्ट है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कब हुआ। अब यही समझ लो कि अगर मैंने इस शो की कहानी आपको थोड़ा सा भी बताया ना तो फिर आपका सारा मजा खराब हो जाएगा। तो भाई जिन्हें रोमांटिक शो में हॉरर का तड़का चाहिए उन्हें ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और यार इस शो का जो सॉन्ग है जो भाई बीच बीच में प्ले किया जाता है, तू गुजर रहा है मेरे दिल से मेरी रूह तक, मतलब यार जब व्योम का गिटार बजता है उस पर ये सॉन्ग, भाई सच में यार शो में चार चांद लग जाते हैं। भाई अगर अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस शो को जरूर देखिए और आपको ये शो पसंद आने वाला है। वेल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आप इनमें से किस शो को देखने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, ताकि हम मतलब कि दोस्तों मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल एंड बाय, टेक केयर।